कोर्ट ने 20 मार्च को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 से जुड़ा एक अहम फैसला दिया था और इस फैसले में ईमानदार सरकारी अधिकारियों को इस एक्ट के जरिए झूठे केसों में फंसाने के संरक्षण देने की बात कहते हुए एक्ट के प्रावधानों को नरम कर दिया गया था। कोर्ट के अनुसार इस एक्ट के जरिए सिविल सेवकों को ब्लैकमेल करने के बढ़ते मामलों को देखते हुए तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को नरम किया गया था और इसके बाद देश भर में दलित संगठन सड़क पर उतर आए। दलित समुदाय ने आज यानी 2 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर आज देश के अलग अलग स्थानों पर देखने को भी मिल रहा है और कई जगहों से हिंसक आंदोलन की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि मामला कैसे और कब और किसने शुरू किया था। यह मामला 2009 के महाराष्ट्र के सरकारी फॉरेंसिक कॉलेज में एक दलित कर्मचारी की तरफ से प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराने का है। डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच की और चार्जशीट दायर करने के लिए अधिकारियों से लिखित निर्देश मांगा। संस्थान के प्रभारी डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन ने लिखित में निर्देश नहीं दिए और इसके बाद दलित कर्मचारी ने सुभाष महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सुभाष महाजन ने हाईकोर्ट में उस FIR को रद्द करने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। महाजन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाजन के खिलाफ FIR दर्ज हटाने के निर्देश दिए थे और SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने को भी मंजूरी दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि फैसला क्या दिया था। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी ना किया जाए। कोर्ट के अनुसार एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत को मंजूरी दी जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की बजाय पुलिस को 7 दिनों तक जाँच करनी होगी और उस जाँच के आधार पर एक्शन लेगी। इसके अलावा सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी उच्च अधिकारी की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।